राजस्थान में आज वैशाख पूर्णिमा पर वन्य जीवों की गणना शुरू होगी। वाटर हॉल पद्धति से 23 से 24 मई को राजस्थान के सभी जंगलों में वन्य जीव गणना की जाएगी। इसके तहत वन क्षेत्रों में बने वाटर पॉइंट्स पर लगातार 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वाटर पॉइंट्स पर पानी पीने आने वाले वन्य जीवों की गिनती की जाएगी। वन कर्मियों के साथ वन्य जीव प्रेमी मचान पर बैठकर 24 घंटे वन्य जीवों की गणना करेंगे। गुरुवार सुबह 8 बजे से वन्यजीव गणना का काम शुरू किया गया है, जो शुक्रवार सुबह 8 बजे तक चलेगा। इसके बाद वन्यजीव गणना के आंकड़े जमा कर वन मुख्यालय अरण्य भवन भेजे जाएंगे। वन्यजीव गणना में भालू, पैंथर, सियागोश, लकड़बग्गे, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, लंगूर, नीलगाय, सांवर, चीतल, काला हिरन, चिनकारा, जंगली सुगर, नेवला, विज्जू और सेही सरीखे वन्य जीवों की गणना की जाएगी। अरण्य भवन से वन विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशन में वन्य जीव गणना की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलवर से भरत और प्रहलाद चारण देसूरी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम भरत से बात करते हैं। भरत, वन्य जीवों की गणना जो है वो आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, जो शुक्रवार 8 बजे तक चलेगी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये वन्य जीवों की जो गणना होती है वो किस तरह से की जाती है। श्वेता, मैं आपको बता दूं कि वन मंडल अलवर में आज 2 दिवसीय वन्य जीव गणना शुरू हो गई है। वहीं सुबह 8 बजे से जो वन कर्मी है वो अपनी अपने बेटों में वन जीव है उनकी गणना करने के लिए पहुंच गए हैं। मैं बता दूं कि आपकी जो वन जीव गणना है, जो वन कर्मचारी है, जो बाघ वगैरह है, उनके पगमार से ही वो वन जीव गणना करते हैं। तो वही जो और वन जीव है उनकी गणना उनको वो अपने आकलन से ही करते हैं। वही कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये वन जीव गणना जो वन कर्मचारियों के द्वारा जो 2 दिवसीय वन जीव गणना की जा रही है, उनका जो कल सुबह 8 बजे तक की जाएगी। उसके बाद ये जो पूरा कंप्लीट होने के बाद ये वन मुख्यालय पर वन जीव गणना को पहुंचाया जाएगा। वही आज वन मंडल में वन जीव गणना शुरू हो गई है। सुबह से ही वन कर्मी अपने बीटों पे वन जीव गणना के लिए पहुंच गए हैं। जो पानी के हॉल है वहां पर बाघ वगैरह के पग मार के निशान देख रहे हैं, वहां पर उनकी लोकेशन देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह वन जीव गणना की जा रही है। जी भरत, और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता देसुरी से जुड़े हुए हैं प्रहलाद। तो हम प्रहलाद के पास चलते हैं। प्रहलाद, एक वन्य जीवों की जो गणना है वो अगर बात करें 4 साल पहले की, तो वो 4 साल पहले जो आंकड़े सामने आए थे वो लगभग 3,52,000 के लगभग थे, और अब वन्य जीव की गणना जो है वो 4 साल के बाद आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, जो कि सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। एक कठिन प्रक्रिया होती है क्योंकि गर्मी का मौसम है और तापमान जो है नए रिकॉर्ड लगातार बना रहा है, तो ऐसे में वन्य कर्मी जो है उनकी मेहनत ही है जो मचान पर बैठ करके वो 24 घंटे वन्य जीवों पर नजर रखेंगे। कैसी होती है ये प्रक्रिया, गणना किस तरह से वन्य जीवों की जाती है? श्वेता, ये मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ देसुरी का वनडेन क्षेत्र है, जो कुमलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ आज वैसाखी पूर्णिमा पर वन्य जीव की जनगणना होगी। इसमें जो वन्य जीव प्रेमी है और वन विभाग के जो कार्मिक है और साथ ही जो लोकल जो यहाँ के नागरिक है वो यहाँ जो जंगल क्षेत्र में जो जहाँ वाटरफॉल है, जहाँ प्राकृतिक वाटरफॉल है, इस पर बैठ के वो ये जनगणना करेंगे। जी प्रहलाद, वन्य जीवों की गणना का जो आंकड़ा था 4 साल पहले 3,52,000 के करीब आया था, और उम्मीद है कि अब ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद प्रहलाद, और अलवर से भरत।